देखिए क्या कह रहा है कि एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों 3000 मोटरसाइकिल चालकों को बीमा करती है। स्कूटर चालकों की दुर्घटना होने की प्रायिकता 0.01 और मोटरसाइकिल चालकों की दुर्घटना होने की प्रायिकता 0.02 है। एक बीमाकृत गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अच्छा, दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के मोटरसाइकिल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी जो है वह मोटरसाइकिल हो, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग यहां मान लेते हैं कि माना E1 तथा E2 दो घटनाएं क्रमशः यहां पर हम लोग मान लेते हैं, यहां पे स्कूटर चालको E1 जो है स्कूटर चालको तथा E2 को मान लेते हैं मोटरसाइकिल चालकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऐसा हम लोग यहां पर मान लेते हैं। हम लोग यहां पर एक घटना मान लेते हैं। कैसी घटना? कि दुर्घटना, एक बीमाकृत गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना, एक बीमाकृत गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना, दुर्घटनाग्रस्त होना, ठीक है, ऐसा हम लोग यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम लोग बात करें E1 की प्रायिकता, तो E1 क्या है घटना? तो ये स्कूटर चालक हैं 2000 और टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 2, 3, 5000। ठीक है, तो कट जाएगा 3 0 3 2/5, यानी कि 0.4 लिख सकते हैं। E2 की प्रायिकता यानी कि मोटरसाइकिल चालक, तो ये 3000 है और टोटल है 5000, तो यहाँ पर ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, पॉइंट भाग करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात करें A/E1 यानी कि मोटरसाइकिल चालक हो, सॉरी स्कूटर, पहला क्या है, स्कूटर चालक हो, E1 जो है स्कूटर चालक हो और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो स्कूटर चालकों की दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता यहाँ पे 0.01 है। अच्छा, A/E2 का मतलब क्या है? कि मोटरसाइकिल चालक हो और दुर्घटनाग्रस्त हो गए, 0.02 तो है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रायिकता निकालनी है? कि मोटरसाइकिल चालक की दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता। अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के मोटरसाइकिल होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मोटरसाइकिल होने की यानी कि हमें E2/A की प्रायिकता निकालनी होगी, है ना जी। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, E2 की प्रायिकता इनटू में A/E2 की प्रायिकता और बटा में E1 की प्रायिकता इनटू में A/E1 की प्रायिकता और प्लस में E2 की प्रायिकता इनटू में A/E2 की प्रायिकता। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, सबके मानों को रखते हैं। ये 0.6 गुना में A/E2 यानी कि 0.02 और नीचे देखिए आपका 0.4 गुना 0.01 और प्लस का 0.02, 0.6 गुना 0.02, 0.6 गुना में 0.02, यही ना, सबके मान रख दिए हमने यहाँ पर। अब इसे गुना करते हैं, 6 गुना 12 या 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, 0.1012, यही ना हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.004, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.012। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 0.012 और नीचे हो जाएगा आपका 0.016 और यानी यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं 12/16, यहाँ पर 4 3 12 और 4 4 16, अगर पॉइंट में करेंगे तो ये 0.75 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।